नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कोरोना पर सबसे बड़ी चेतावनी। करोड़ों लोगों की होगी मौत, दोहरा सकता है ये इतिहास। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। इस जानलेवा महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब इस बीच अमेरिका के बड़े संक्रामक रोग वैज्ञानिक डॉक्टर एंथोनी फासी ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया भर के देश सही तरीके नहीं अपनाते हैं तो कोरोना वायरस 1918 में फैली महामारी की तरह गंभीर रूप धारण कर लेगा। डॉक्टर एंथोनी फासी ने ये बातें जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव वेबिनार में कही। डॉक्टर फांसी का कहना है कि 1918 में फैली स्पैनिश फ्लू महामारी के कारण 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। ये दुनिया की सबसे भयावह महामारी थी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति कोरोना के साथ ना आए, लेकिन ये शुरुआत कर चुका है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया भर के देशों की लापरवाही और इंसानी आदतें इस बीमारी को और गंभीर बना रही है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि एक दिन ये दवाएं इस बीमारी को रोकने में कामयाब होगी, जिनका भी ट्रायल हो रहा है। डॉक्टर एंथोनी फासी के साथ वेबिनार में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड भी शामिल हुए। डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि अमेरिका में लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी लोगों की जांच नहीं हो रही है। डॉक्टर रेडफील्ड ने जनरल ऑफ द अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशन के हवाले से कहा कि अगर कोई दवा सफल नहीं हुई तो कोरोना वायरस से जूझने में हमें 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि साल 2021 के शुरुआती 4 महीने लोगों के लिए बेहद कठिन जाने वाले हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया ने करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। सबसे ज़्यादा लाख संक्रमित लोग अमेरिका में हैं। अमेरिका में ही सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। यहाँ पर लाख लोगों की मौत हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई देशों को पिछाड़कर भारत सबसे ज्यादा बीमार लोगों की सूची में 3रे स्थान पर जा पहुंचा है।